या बच्चों ऑडिबल आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? ओके सर, दे रही है। यस गुड। हेलो सर। अच्छा ओके ऑलमोस्ट सब आ गए ना। इट्स लाइक प्रतीक्षा, जन्मजय, अनन्या, हर्षित नहीं है ना? अभी बहुत सारे नहीं। अच्छा फिर हर्षित हमारे बैच में ही नहीं है, वो तुम्हारे दूसरे बैच में नहीं इसमें। है वो कैसे? अच्छा, ओके अच्छा सर वो थोड़ा है सही। अच्छा चलो ठीक है। और वो एक और है ना अपना बड़बोला बच्चा, वो का है? है ना, तो बहुत बात करता है क्लास में। यस नाम भूल गया मैं। चलिए स्टार्ट करें। ओके कार्तिक और ये दिव्यान। ओके 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 सब लोग यहाँ पर है ना? सब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। ओके लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों कहाँ तक कर लिया था पहले मुझे ये बता दो। लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने? इलेक्ट्रिक नहीं फ्लक्स, नहीं 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 मेरे मैं अपना वाला ही ट्रैक लूंगा ठीक है ना। हेलो हाँ सर। बेटा, हम लोग फ्लूइड और वो POM वाला ही ट्रैक लेंगे ठीक है। बिकॉज अभी आई थिंक MVP सर या MMP सर कोई या फिर कोई और सर ठीक है आपका दूसरा ट्रैक लेंगे। लियो ठीक यस। तो हम लोग POM वाला ही ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं, डोंट वरी है ना। हाँ तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या लिख लिया था? बल्क मॉड्यूलस तक करा था। ओके बल्क मॉड्यूलस वी हैव स्टार्टेड। आफ्टर दैट उसमें क्या लास्ट में क्या लिखा था? लास्ट में बस कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स 1/ बल्क मॉड्यूलस ये दिखा था। ओके 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 गुड गुड गुड। चलिए तो आपको सबको समझ में आ गया बेटा कि बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। हम लोग यहाँ पर लिखते थे बल्क स्ट्रेस या फिर हो गया था वॉल्यूम। वो। हाँ हाँ वो सब हो गया था है ना। तो डायरेक्टली बल्क मॉड्यूलस के लिए हम लोग लिख लेते हैं बी। इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ लेकिन कई बार बुक्स में आपको के से भी मिल सकता है तो डोंट बी कंफ्यूज, वर्ड लिखा होगा बल्क मॉड्यूलस ठीक है। हाँ अभी मैं इसमें फॉर्मूला जो लिखा था बेटा वो क्या बन रहा है? डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। यस बेटा डेल्टा पी की जगह पी भी लिखा हो सकता है बुक्स वगैरह इधर उधर। ये जो डेल्टा पी होता है ना ये अप्लाइड प्रेशर है। किसी को दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूला लिख लिया था राइट? हाँ सर। गुड। अभी नेक्स्ट मैंने बात की है कंप्रेसिबिलिटी। तो बहुत जगह कंप्रेसिबिलिटी को के सिंबल से बताते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इज जस्ट 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। हाँ ये फॉर्मूला लिखने का एक रीजन है वापस है ना। इसको मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 बाय बल्क मॉड्यूलस ठीक है। बेटा आपको एक बात पता है कि जो चीज जितनी ज्यादा रिजिड होती है उसको कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल होता है। डू यू एग्री? हेलो यस सर। या बेटा जो चीज जितनी हार्ड है जितनी रिजिड है उसको ना उसको कंप्रेस कर पाना उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो इट मीन्स मैं समझ गया कि बल्क मॉड्यूलस जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड्स का। यस और नो? हेलो फिर बल्क मॉड्यूलस कितना होगा? लिक्विड का। और फिर बल्क मॉड्यूलस किसका होगा सबसे कम? गैस का। यस या फिर गलत हाँ है? सर। क्या ये सही है बेटा? क्या ये यस सही है? यस सर। तो अब मैं क्या बोलूंगा बेटा कि इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? ये तो बल्क मॉड्यूलस का सॉलिड्स हो गया तो हेंस कंप्रेसिबिलिटी वो जस्ट इसका उल्टा है ना। यस कंप्रेसिबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा हम बहुत ही आसानी से कंप्रेस कर पाएंगे गैस को क्योंकि उसका बल्क मॉड्यूलस सबसे कम है उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। बेटा कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? सिंपल कि किस बॉडी को कितना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। यदि बॉडी आसानी से कंप्रेस हो जाती है सो उसकी कंप्रेसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे कि ज्यादा है क्योंकि वो आसानी से कंप्रेस हो रहा है। तो वी विल से कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड सबसे कम होती है फिर लिक्विड की होती है एंड देन गैस की होती है।
गैस को हम आसानी से सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, क्लियर? लेट्स सॉल्व। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़े। यस सर। ओके सो बच्चा लोगों, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बल्क मॉडुलस ऑफ गैस की, ठीक है ना? गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हम लोग इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बुला सकते हैं, और इसमें क्या होगा बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम सभी लोग जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जब कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम लोग लिखते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में भी लिखा था हमने, राइट? अब बेटा मैं क्या करता हूँ, देखो उसका जो बल्क मॉडुलस होता है ना, उसका फॉर्मूला ये है, डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। किसी तरह से मुझे डेल्टा वी अपॉन वी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस पीवी को ना डिफरेंशिएट कर लेते हैं वॉल्यूम से, ठीक है? तो मैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो प्रेशर भी वेरिएबल, वॉल्यूम भी वेरिएबल, तो हम लोग लिख सकते हैं पी, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वन, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस वी, और ये आ जाएगा डीपी अपॉन डीवी। बेटा यू वी डैश प्लस वी यू डैश, यू वी रूल लगा लिया, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ से अपने को एक बात पता चली, डीपी अपॉन डीवी, वैसे ये चीज हमने पहले भी की हुई है, आइसोथर्मल की स्लोप है ना, माइनस ऑफ पी अपॉन वी। इसको यदि रीअरेंज करूँ तो आई कैन राइट डीपी अपॉन पी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी। एग्री हो सब लोग इससे? बेटा यहां से मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा पी अपॉन वी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी के बराबर हो जाएगा। दैट्स ऑल, मेरा काम तो हो गया। ऊपर वाले फॉर्मूला में, बल्क मॉडुलस वाले फॉर्मूला में ये माइनस डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू डाल देता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, सो यू विल गेट बी इज इक्वल्स टू हेन, हाँ, डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, ये फॉर्मूला होता था हमारा, इसमें मैंने डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू डाली तो मुझे मिल रहा है डेल्टा पी अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी, तो डेल्टा पी से डेल्टा पी कैंसिल और पी ऊपर आ गया, तो मुझे मिल गया बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर। क्लियर? क्या इस चीज से सहमत हैं? यस सर। यस, दैट इज आइसोथर्मल या बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस। आई होप सबको समझ आ गया। आगे बढ़े बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? ए यू पीपल आर राइटिंग ना, लिख तो रहे हो ना सर? नहीं, थोड़ा टाइम से लिख। हाँ, मैं थोड़ा ऊपर स्लाइड कर लूँ यहाँ पर, ठीक है? यस सर। हाँ सर, बेटा साथ साथ लिख लो, अच्छा है, बात के लिए क्यों छोड़ना, लेट अस मेंटेन प्रॉपर क्लास नोट्स, ठीक है? Noted? Yes, sir. थोड़ा छोटा करके आगे, एक सेकंड, हाँ नीचे हो गया, हो गया पूरा नीचे तक कंप्लीट लिख लो।
अच्छा बच्चे, तुम लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? अच्छा लोग कर सकते हैं मैसेज में यस बोलो, और नहीं कर सकते तो मैसेज में नो बोलो। क्या ऑल ऑफ यू हैव नॉट इट, आके बढ़ जाए। हाँ सर, हो गया। ओके चलिए बच्चों, सो आके बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसको टाइम चाहिए ना नोट करने के लिए बोल देना कि सर रुको, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन जो भी है ना। अब बेटा मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। आप तो सब जानते ही हो एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते बच्चों। पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एग्री? यस सर। ओके, अब देखो जैसे हम लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन को किससे वॉल्यूम से अब डिफरेंशिएट किया था, सेम इसको भी वॉल्यूम से डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ओके, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो वी रेस टू गामा माइनस वन को यदि कॉमन ले लिया जाए और उधर 0 की तरफ भेज दिया तो क्या आएगा, यहाँ पर पी और यहाँ पर गामा है, प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक वी बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एक वी बचेगा बेटा। ये हो गया गामा पी, यहाँ पर आ रहा है वी और यहाँ पर ये आ रहा है डीपी अपॉन डीवी। बाकी दोनों में से मैंने वी रेस टू गामा माइनस वन को कॉमन लेके कैंसिल हटा दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन या डी पी अपॉन गामा पी, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या माइनस डीवी अपॉन डीवी डीवी अपॉन वी लिख सकते हैं बच्चों? एग्री है क्या इस स्टेप से कि नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया, कोई डाउट? हेलो, एग्री सर। एग्री? ओके, तो इसी चीज को यदि मैं ऐसे लिखूं तो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, है ना? ये आ गया। इस चीज को हम लोग बल्क मॉडुलस के फॉर्मूला में डाल देते हैं। हेंस जो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो था डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, और यहाँ पर माइनस डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू डालें तो आपको मिल रहा है डेल्टा पी अपॉन गामा पी, क्लियर? और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको बी की वैल्यू मिलती है बेटा गामा टाइम्स ऑफ पी, क्लियर? बेटा ये वाई नहीं है, ये गामा है, इट इज गामा। गामा मीन्स सीपी अपॉन सीवी, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो यूज करते थे ना वही वाला है ये, क्यों? हाँ सर, एक बार बताओ कि ओके ओके ओके। हाँ बेटा चलो बात करते हैं, ये आपको ऊपर वाला डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया? इस वाली स्टेप से वी रेस टू गामा माइनस वन को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आ गया गामा पी, और वी रेस टू गामा माइनस वन तो कॉमन आ गया, सिर्फ बचा एक वी बच गया यहाँ पर, और ये डी पी अपॉन डी वी, और इसकी वैल्यू है 0। बेटा वी रेस टू गामा माइनस वन तो गया 0 के पास, अब ये गामा पी वी डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हम लोग एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, वो स्टेप ऐसी हो सकती है। देखो देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डीपी, ये वाला डीपी और ये वाला डीवी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा गामा पी अपॉन पी, क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी नहीं किया है ना, एक को एलएचएस में भेजा, एक को आरएचएस में, और अपना काम हो गया। यहाँ से जो अपने को नेक्स्ट स्टेप मिली थी बेटा डीपी अपॉन गामा पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन बी, तो मैंने बोला कि स्मॉल चेंजेस के लिए जो रेशियो होता है लार्ज चेंजेस के लिए भी यही रेशियो रहेगा, मतलब लार्ज मतलब थोड़े से बड़े चेंजेस, तो
हमने उसको लिख लिया डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन पी। बेटा अभी आपको समझ में आ गया वेदांत? क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कि गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर के बराबर आ गया। एंड हियर आप सभी जानते हो गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, और इसको अपन 1+2/f भी लिख सकते हैं, वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यह है एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट, ओके। कोई दिक्कत है किसी को भी जो नहीं समझ में आया हो? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। All of you, noted, sir. Kartik, Pratisha, अरे लोटा फैन क्लब, वाह क्या बात है, हो गया। या दिव्यान लिखा, अच्छा लोग सब है ना यहाँ पे? हाँ सर। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला है ना, जब कभी भी हम बात कर रहे हैं कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, यू विल से इट इज प्रेशर के बराबर, और जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, यू विल से इट इज गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर के बराबर, यानी कि एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये सारी चीजें तो हमने कर ली थी, अब आ रही आती है क्वेश्चन लिखने की, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कोई लिक्विड है, समझ लो एक लेक है, एंड लेक जो है बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप है, और अभी आपको बोला कि आपको उस लेक में क्या करना है, डेप्थ के साथ क्या होता है, प्रेशर वैरी होता है, तो प्रेशर वैरी होता है तो डेंसिटी भी वैरी होनी चाहिए, तो आप ये समझ लो कि सब कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो लेक में ऐसी डेप्थ फाइंड करनी है जहां पर डेंसिटी जो है वो सरफेस से 1% ज्यादा हो, है ना। तो यहां पर लिख रहा हूं फाइंड द डेप्थ इन अ लेक वेयर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1% more than at surface. तो सरफेस पर बेटा जो वाटर की डेंसिटी है ना उसकी उससे 1% ज्यादा कितनी डेप्थ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर की एक वैल्यू दे रखी है, दैट इज बेटा आप डेंसिटी ऑफ वाटर को हर जगह 10^3 ले लेना, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन 1% से इंक्रीज हो रही है ये बात है, तो ये हम लोग 10^3 केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, और बाकी चीजें आपको पता ही है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ एंड एवरीथिंग, राइट। एक बार इसको ट्राई कीजिए बेटा, यू कैन डू इट। हाँ, आपको बल्क मॉडुलस की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम एक काम करते हैं, आपको एक दूसरा डेटा दे देते हैं।
कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर के इज इक्वल्स टू, बेटा यह है 50 × 10⁵, 50 × 10⁵ एटीएम इनवर्स। बेटा आपको पता है ना कंप्रेसिबिलिटी वन बाय बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है, मतलब प्रेशर वाली यूनिट आएगी, तो ये भी प्रेशर वाली यूनिट है, ठीक है। एटीएम, एटीएम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में। कीजिए बेटा एक बार ट्राई कीजिए। बेटा अप्लाइड प्रेशर मतलब क्या, मैंने बोला कि ऊपर सरफेस पर प्रेशर पी एटीएम है, तो अंदर की तरफ पी एटीएम प्लस रॉ जी एच होगा, तो आपको जो डेल्टा पी लिखना होता था ना पहले, वो क्या होता था बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ पी एटीएम, मतलब पी एटीएम क्या होगा एक, वो तो सेम ही है, अप्लाइड प्रेशर क्या होगा रॉ जी एच, क्लियर। तो डेल्टा पी की वैल्यू रॉ जी एच यूज करनी होती है उस फॉर्मूला। जैसे ही आपका आंसर आता है बेटा चैट में टाइप कीजिएगा। बेटा ओके बच्चों, किसी को आइडिया आया? आर्यन, वेदांत, आइडिया आ रहा है किसी को? ओके एक आंसर आया मेरे पास। ओके ये चीज बेटा, ये तो आपके बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है ना, आपको वो डेप्थ फाइंड करनी है ना, फाइंड द डेप्थ। वन एटीएम में 10⁵ पास्कल होते हैं, लाइक सॉल्व और यू आर ट्राइंग। निकोलस कौन है? ओके 200, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही आंसर है, एल्स विल चेक, है ना, हम लोग चेक करेंगे, और मुझे लगता है कि ये सही आंसर है, ठीक है। और किसी का आ रहा है? एनीबडी ट्राइंग? चलें डिस्कस करें बेटा। देखो पहला ही क्वेश्चन है तो इसलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। बेटा मैंने बोल दिया कि बल्क मॉडुलस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमने लिखा था डेल्टा पी यानी कि प्रेशर अप्लाइड अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ पर अपने पास वॉल्यूम का चेंज है लेकिन डेंसिटी का चेंज नहीं है, तो हम लोग भी उसके लाइन पे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक बात जानते हैं कि डेप्थ में, डेप्थ के साथ जो प्रेशर में वेरिएशन होता है वो होता है रॉ जी एच, पूरे फ्लूइड में यही पड़ा था रॉ जी एच, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट,
इस फॉर्मूला में ये वैल्यू रख सकता है, लेकिन अपने को माइनस डेल्टा वी अपन वी के वैल्यू चाहिए। तो यार मैं एक काम करता हूँ कि लेट से ये लेक है, और इस लेक में सरफेस पर मैं एक छोटा सा इस तरह से एक सेगमेंट कंसिडर कर लेता हूँ लिक्विड का, वाटर का। इसका मास मैं एम मान लेता हूँ। यदि मैं इसको यहां से एच डेप्थ पर लेकर जाता हूँ तो प्रेशर चेंज होता है, और प्रेशर की वजह से ऑब्वियसली डेंसिटी भी चेंज होगी। तो बेटा लेकिन इसका मास चेंज नहीं हो सकता, मास इसका सेम रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि मास कंजर्व्ड रहता है, तो एम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्या करूं, मुझे तो डेल्टा वी अपॉन वी चाहिए, तो डेल्टा वी अपॉन वी मुझे डेंसिटी के फॉर्म में मिल जाए तो मेरा काम तो हो जाएगा। तो जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करते हैं, इस पूरे को डेंसिटी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बेटा मास इज कांस्टेंट, तो मास का डिफरेंशिएशन जीरो, अभी डेंसिटी का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये यूवी रूल लगा दिया क्योंकि रॉ और वी दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। बेटा देखो यहाँ से आपको एक चीज मिल गई, डी रॉ, एक काम करता हूँ ये डी वी अपॉन वी उधर भेज देते हैं, है ना। तो डी रॉ अपॉन रॉ इज माइनस ऑफ डी वी अपॉन वी, ये मिल गया अपने को। चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, आप सबको ये दिया है डेल्टा वी डेल्टा रॉ अपॉन रॉ इंटू 100%, यानी परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, और उसकी वैल्यू आपको दी है 1%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज का सिंबल उड़ा दिया, तो आपको डेल्टा रॉ अपॉन रॉ की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 1/100 कितनी मिल गई। और वैसे भी बोला जाए तो 1% मीन्स 1/100 ही होता है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/100, क्लियर। तो इसको मैं उठा के रखता हूँ इस इक्वेशन में, कौन सी वाली, बी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, डेल्टा पी की जगह मैं रॉ जी एच डाल रहा हूँ, और बेटा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी की जगह डेल्टा रॉ अपॉन रॉ डाल रहा हूँ, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ अब मैं बल्क मॉड्यूलस को क्या लिख सकता हूँ, 1/compressibility, तो चलो उसको आगे देखेंगे अपन, है ना। हाँ यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1/compressibility, तो कंप्रेसिबिलिटी 50 × 10⁵, लेकिन बेटा यहाँ पर ATM इनवर्स लिखा है, तो एक ATM में 10⁵ पास्कल होते हैं, और उसका इनवर्स ATM इनवर्स लिखा है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा 10⁻⁵ पास्कल। ATM को मैंने पास्कल में कन्वर्ट किया, और ये माइनस वन इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। हेलो बेटा समझ पाए, एक मिनट उसको देख लेते हैं, क्या लिखा था हमने, 50 × 10⁵। ओके 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 ओके, हाँ तो ATM इनवर्स लिखा था बेटा, मतलब नीचे की तरफ क्या आना चाहिए ATM, तो बात वही है। यस हेलो बात समझ पाए, तो ये क्या आ जाएगा, ATM इनवर्स को यहाँ लिख दो 10⁵ पास्कल। और एक्चुअली क्या है ये बल्क मॉड्यूलस, ये चीज़ नेगेटिव में दी होनी चाहिए थी, वरना गड़बड़ आंसर आएगा, नहीं। हेलो बेटा क्या नाम है, आर्यन, आपका आंसर सही से आ गया। हेलो आर्यन आपको यूनिट की प्रॉब्लम नहीं हुई, हाँ जी चलिए आगे सॉल्व करते हैं। रॉ जी एच की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, और डेल्टा रॉ अपॉन रॉ की वैल्यू 1/100 डाल दो यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर अपने को आंसर देगी, ठीक है। या हाँ तो बच्चों व्हाट नेक्स्ट, क्या करूँ आगे, डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं। हाँ तो बेटा आपको 200 मीटर्स मिला या किसी और यूनिट में मिला, मैं यही पूछना चाह रहा था, आपको यूनिट की प्रॉब्लम नहीं हुई। हेलो हाँ एम आई ऑडिबल, बच्ची यूनिट की प्रॉब्लम हुई क्या, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्या करना चाहिए था, बल्क मॉड्यूलस जो देना चाहिए था उसकी वैल्यू जो है वो वी कैन से
-5 या ऐसा कुछ देना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर अपने को पता चलेगा कहीं यहाँ माइनस मिसिंग तो नहीं है। एच की वैल्यू क्या लिखूं बेटा, ये 100 भी ऊपर चला गया ना, तो देखो 336 हो गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10^6, और यहाँ पर आ जाएगा ये एच, और यहाँ पर ये 10^5, ये 10^5 वैसे तो कैंसिल हो रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ देखा जाए तो ये आंसर अपना बहुत ही गड़बड़ आएगा, इसलिए बेटा हम लोगों को एक एडिट करना पड़ेगा, और वो एडिट ये है कि यहाँ पर जो लिखा है ना 10^5, इसकी जगह 10^-5 कर दो, बस समझ गए, ये डाटा जो है ये गलत लिखा था, अभी सही कर दिया मैंने, ठीक है। 50 × 10^-5 एडीएम इनवर्स, क्लियर। यदि ये -5 रखता हूँ बेटा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा सारा का सारा, और यदि ये सारा का सारा ऊपर जाता है तो फिर ऊपर की तरफ मुझे क्या मिलेगा, 10^2। हेलो बेटा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 10^-10, और ये सारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10^+10 डिवाइड बाय 50, क्लियर, बात समझ पा रहे हो। हेलो सर प्लस टाइम ना ये सही है ना, एक मिनट कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। मतलब कहने का मतलब 1 डिवाइड बाय ऐसा 50 × 10^-10, करेक्ट, हाँ सर तो ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, और तो अभी आंसर कितना आ रहा है, 200 मीटर, करेक्ट, अभी ठीक है। हेलो यस सर यस, तो बेटा एक्चुअली क्या है, शुरुआत में मैंने जो आपको डेटा दिया था ना, तो उसमें यहाँ पर ये 50 × 10^-5 आना चाहिए था, ठीक है ना, 1/कंप्रेसिबिलिटी जो लिखा है, दैट्स इट, बाकी पूरा का पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हर जगह ये अपना करेक्ट है, ये 200 मीटर आंसर एकदम सही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलें, समझ में आया आपको क्या किया मैंने, पूरा फॉर्मूला वही, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना, और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस यूनिट आपको जा रही है, ठीक है। आगे बढ़े, नोट कर रहे हो या आगे बढ़े, एक सेकेंड सर, तो सरफेस से 200 मीटर नीचे जाने पर डेंसिटी 1% से बढ़ जाएगी, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है ना, वो छोटा सा अप्रोक्सीमेशन क्या है बेटा, 10% से डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, वो 1010 लिखना चाहिए था इस फॉर्मूला में, यहाँ पर कितना लिखना चाहिए था, 1010, बट मैंने उसको 1000 ही लिख दिया, क्योंकि कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो रहा था, इसीलिए तो मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया 1000, है ना। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो आप डायरेक्टली 10^3 रख के और निकाल सकते हो, वो आसपास का ही आंसर आता है, ठीक है ना। लेकिन आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो फिर बेटा वहां आपको क्या करना होगा, वहां पर 1010 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है कि आप ठीक है अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हो या नियरेस्ट इंटीजर में दे सकते हो, तो फिर आप भले ही यहाँ पर 1000 यूज कर सकते हैं। रोल डाउन, यस, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। सर 1 सेकेंड हाँ 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 ओके बेटा, नोट करो। डन सर ओके बेटा, मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह सब ले लिया था ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस सर हाँ
ओके तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलास्टिक स्ट्रिंग स्प्रिंग की तरह भी बिहेव कर सकती है, और टाइम पीरियड हम लोग 2π√m/k इक्विवेलेंट की तरह लिख सकते हैं। वो सब कर लिया था, राइट? यस ओके, यस यस यस, गुड। तो बेटा अपना ये तो लगभग हो ही गया अपना, है ना। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, डायरेक्टली आप क्या करोगे, इनके फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट्स क्वाइट इजी। एंड बाकी मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट मैं एनर्जीज पे आ जाता हूँ, और उसके पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख सकते हैं। चलो पहले एनर्जी लिखते हैं, वो ज्यादा इजी है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड ठीक है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी को एक चीज पता है कि जब कभी भी कोई एक इस तरह का वायर ले लेते हैं हम लोग, और इसके ऊपर एक फोर्स एफ लगाते हैं, तो एफ फोर्स लगाने पर इसकी लेंथ में चेंज होता है, और वो लेंथ में चेंज को मैं यहाँ पर येलो कलर से शो कर देता हूँ, जैसे ऐसा। आप जानते हैं कि ये लेंथ ओरिजिनल वाली एल, लेकिन ये चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यदि आप ए ले लेते हो, और फोर्स एफ हमने अप्लाइड अप्लाई किया था, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये सारा आपको पता है, ठीक है। एंड मैंने बाद में आपको बताया था कि ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, इसलिए एफ इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल की तरह लिख सकते हैं, और फाइनली वी कैन से दिस इज एफ इज इक्वल टू के एक्स जस्ट लाइक अ स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? तो जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है वही इसकी भी होगी, तो हम लोग लिखेंगे सिमिलर टू द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी, एक ही चीज है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक एनर्जी। तो इसको एक ही वर्ड में लिख लेते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टोट इज बेटा, इसको मैं यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। बेटा पता है ना आपको स्प्रिंग की, स्प्रिंग में यदि एक्सटेंशन एक्स होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, तो उसमें स्पोर्ट एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आप सभी इससे यस सहमत सर हैं? या गुड। और बेटा के की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए वाई अपॉन एन, राइट? ए वाई अपॉन एन, ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यू इज इक्वल्स टू 1/2, के की जगह मैंने रख दिया ए वाई अपॉन एल, और बेटा ये एक्स एक्स क्या चीज है बेटा, एक्स इज डेल्टा एल, राइट? तो ये आ गया डेल्टा एल का स्क्वायर। ओके, अपना काम तो हो गया, अपना काम तो हो गया। कैसे हो गया देखते हैं। यू इज इक्वल्स टू, बेटा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1/2 को ऐसे ही रहने देता हूँ, इस ए को बाहर निकाल लेता हूँ ब्रैकेट से, ये वाई, और बेटा यहां से ले लेता हूँ डेल्टा एल, और नीचे एक एल, इनको एक साथ रख लेता हूँ, और बाहर एक डेल्टा एल रहने देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसका रीजन है ये, कैन यू सी दिस जो डब्बे में लिखा हुआ है? यस, क्या चीज है वो बेटा, वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल, इसकी वैल्यू होती है एफ बाय ए, और एफ बाय ए को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ये आ जाएगा 1/2 इंटू, ये लिख दिया मैंने स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। ये आ गया क्या, स्ट्रेस। ओके, हमें स्ट्रेस मिल गया। उसके बाद कौन बच रहा है, उसके बाद बच रहा है बेटा एक ए बच रहा है और एक डेल्टा एल बच रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जुगाड़ और लगाता हूँ, मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बेटा ऐसा मैं करूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, एल से मल्टीप्लाई एंड एल से डिवाइड, कैन आई डू दैट? यस सर यस, लेट्स डू वन थिंग। यहां पर आप सभी को बताएं कि ये डेल्टा एल है,
उसके साथ इतनी चीजें बच रही है, मैं ऊपर एल से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे एल से डिवाइड कर लेता हूँ। आप सभी जानते हो डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, ट्रेन। स्ट्रेन वेरी गुड। यहाँ पर ए इंटू एल को हम बोल देंगे वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो फाइनल आंसर इज 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वॉल्यूम। ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, समझ पाए? अब मैं इसको थोड़ा यस मॉडिफाई करता हूँ, या गुड, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो क्यों ना एक काम करें, जहां पर स्ट्रेस लिखा है वहां पर वाई वाई इंटू स्ट्रेन लिख दें, तो अपने को मिल सकता है 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। एक और फॉर्मूला आ गया, 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। सिमिलरली हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, है ना, तो उसकी जगह क्या लिख लें, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय वाई। तो जहां पर स्ट्रेन लिखा है ना वहां लिख लो स्ट्रेस अपॉन वाई, तो आपको मिलेगा यू इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वॉल्यूम। बेटा क्या आप ये सारे फॉर्मूलाज को समझ पाए, किसी को कोई डाउट? हेलो, एनी डाउट? नो सर नो। ओके, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ बेटा, आप नोट कर लीजिए इसको।
डन बेटा, इतना नोट किया? यस सर। ओके, किसी के रह जाए तो बोल देना, है ना? चले आगे लिखे, या नेक्स्ट लिखूंगा बेटा मैं एनर्जी डेंसिटी। बेटा एनर्जी डेंसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। And I can write U upon V. U upon V is elastic potential energy, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 into stress into strain. दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया इसका? 1/2 into Y into strain का स्क्वायर. और तीसरा फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? 1/2 into stress का स्क्वायर upon Y. बेटा ऊपर वाले ही तीनों फॉर्मूला है, बस सब में वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं. ठीक है, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी या फिर इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीन फॉर्मूलाज आ गए इसके. क्या आप सभी लोग समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन इज इस तरह से लगा हुआ है एक वायर और उससे लगा हुआ है एक मास M. ये लेंथ हो गई L. बेटा मास हो गया लेट से 2 kg. लेंथ इसके एक्चुअल ये L इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं इसको 50 cm. एंड यंग्स मॉडुलस Y की जो वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁶ N/m. ऐसा लिख लेते हैं 5 × 10⁶ N/m². ओके, तो आपके पास ये बेसिक बेसिक डेटा आ गया. और वायर इज लाइट, मतलब ये स्ट्रिंग जो है ना लाइट स्ट्रिंग है, लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग. या क्वेश्चन इज फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. ये सोचो, ट्राई कीजिए इसको, सेम ऊपर वाली चीजें हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें और कुछ ऐसा ले लेते हैं 2 cm² ले लेते हैं. चलो खत्म का.
हो गया। अपने पास तीन फॉर्मूलाज है, तीनों में से कोई भी यूज करो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बात यह है ना कि मैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, या 1/2 y इंटू स्ट्रेन वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं करूंगा। रीजन, हमारे पास स्ट्रेन नहीं है। डेल्टा एल हाँ, तो डेल्टा एल पहले फाइंड करना पड़ेगा, मतलब पहले मुझे स्ट्रेन फाइंड करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है क्यों ना मैं स्ट्रेस वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ। यू इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वॉल्यूम। बहुत ही सिंपली ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ये हमें मिलेगा 1/2। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स तो है यहाँ पर mg, और एरिया को a लिख लेते हैं, तो इनका आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे y है, और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ। ओके, यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा m2g2, और m की वैल्यू 2 kg दी है, तो 20 का स्क्वायर इज 400 डिवाइड बाय, नीचे सिर्फ ये ए स्क्वायर है और ऊपर ए है, ये वाई है और यहाँ पर ये एन है। चलो, चीजें कैंसिल हो गई और अपने पास फाइनली मिला 1/2 इंटू नीचे एक एरिया से एक एरिया गया, और 20 का स्क्वायर होता है 400। अभी नीचे की तरफ एक एरिया बच गया और एक लेंथ ऊपर की ओर बच गया, और नीचे वाई। सारी वैल्यू तो गिवन है, रखो वैल्यू, आंसर लाओ, क्या मिला? बच्चों का आंसर, सारी चीजें SI यूनिट में रखना है, ठीक है ना? तो 0.1 जूल, मतलब यहाँ पर आ रहा है पक्का? नहीं, 0.1 तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। और चेक करो बेटा एक बार, कैलकुलेशन चेक करो। फोर से फोर गया, ऊपर 10 बच रहा है, 2। ओके 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 या अच्छा है, ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, 5 × 10⁶ ना, ठीक है, तो फिर 0.1 ही होगा। बेटा चेक करो, बाकी सबका यही है क्या? 0.1 है या फिर 0.01 है? क्या यस गुड, यही आंसर है। दिव्यांश, तनिषा, दिशा, आर यू देयर? यस, दिशा इज देयर। तनिषा कहाँ गई? यस, तनिषा भी है, गुड। मतलब सब लोग हैं क्या? कोई है जो भाग गया? तो आपको कैसे पता होगा, जो भाग गया वो तो सुन नहीं रहा होगा। चलिए, अच्छे बच्चे हैं वैसे सब क्लास में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपके आ गया, जो भी आंसर आ रहा है 0.1 जूल आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, और वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे बेटा वो इसी टाइप से ही होंगे, इन्हीं सारे फॉर्मूला पर ही बेस्ड होंगे, और कुछ छोटा मोटा इंटीग्रेशन वगैरह पूछा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं लोग। नाउ ये सारा एनर्जी डेंसिटी वर्क वगैरह हो गया। अभी वेरिएशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विथ स्ट्रेस, यानी कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखने जा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं
विदिन द इलास्टिक लिमिट या विदिन अ सर्टेन लिमिट, या क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि इलास्टिक लिमिट में जब तक मैं बात करूं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं स्ट्रेस और यहां पर मैं लिख लेता हूं स्ट्रेन। बेटा एक बात है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, यहां पर मैंने स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर लिया और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर। जरूरी नहीं है आपको, मतलब कुछ कर्व्स ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पर स्ट्रेन को वाई एक्सिस पर ले लेंगे और स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पर, एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज नॉट अ कंसर्न। तो बेटा आपको पता है कि पहले तो ये कर्व जो आता है ये प्रोपोर्शनली होता है, यानी कि मैं यहाँ पर ओ पॉइंट लिख लूँ और यहाँ पर फाइनल पॉइंट जो आ रहा है इस पर ए लिख लूँ, तो ओ से ए तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हुक्स लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, हुक्स लॉ, या तो हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, तो ओ से ए तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन बेटा फिर क्या होता है, हर एक मटेरियल की एक लिमिट होती है। तो आपने जीरो से स्ट्रेस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और ए पॉइंट जहां तक आया ना, इधर जो ए पॉइंट आपको मिला, तो इतना आप स्ट्रेस बढ़ाते गए। अब स्ट्रेस बढ़ाते गए तो वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ती गई और दोनों में प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आया। तो ये एक सर्टेन लिमिट तक ही आता है, क्योंकि हर एक मटेरियल की एक लिमिट होती है बेटा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मटेरियल में भी क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, मटेरियल भी क्या होता है, थक जाता है, कहने का मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हो गए है ना, वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग जाता है, तो वो लेट हो गया था। पहले मैं बात करता हूँ ओ से ए तक, तो ये बेटा एक सर्टेन लिमिट है, इसमें जो है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मेरे को तो और स्ट्रेस अप्लाई करना है, तो फिर आप थोड़ा और स्ट्रेस अप्लाई करते हो। तो बेटा इस लिमिट के बाद, इस लिमिट के बाद यदि आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ कर्व थोड़ा सा बेंड होने लग जाएगा। एक कर्व यहाँ पर थोड़ा सा बेंड होने लग गया, तो मैंने बोल दिया कि ए से बी पॉइंट तक कर्व जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गया है, यहाँ पर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट एक बात याद रखो, मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर का वायर है, रबर बैंड ले लो 10 सेंटीमीटर का, मैंने उसको 11 सेंटीमीटर तक खींचा और फिर छोड़ दिया, वापस 10 का हो गया, मतलब ये इलास्टिक लिमिट में। फिर मैंने उसको और खींचा तो 11 के बाद मैंने उसको 12 सेंटीमीटर तक खींच लिया, अब छोड़ा तो वो फिर से 10 में आ गया। समझ में आया, उसका ओरिजिनल लेंथ 10 था तो फिर से 10 आ गया। फिर आपने उसको 13 तक खींचा, छोड़ा, फिर से 10 आ गया। लेकिन अभी वो मटेरियल की ये मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर आप उसको और ज्यादा खींच लेते हो, आप 15 तक खींच लेते हो और फिर छोड़ते हो। बेटा अब वो है ना रबर बैंड ना, वो 10 लेंथ का नहीं रहेगा, उसकी अब एक नई लेंथ बन जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, एंड दैट न्यू लेंथ मे बी 11 सेंटीमीटर, मतलब 10 से ज्यादा होगी बेसिकली कुछ भी है ना। तो कोई भी लेंथ जो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो मान लिया कि वो 11 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसको yes. बोलेंगे कि वहां पर वायर में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गई। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ कि ओ से लेकर ए तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यहाँ पर वायर पूरी तरह से इलास्टिक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बेटा ए से बी में भी वायर इलास्टिक है, आप ए से ज्यादा स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो, बी तक बढ़ा रहे हो, अभी भी वायर को जैसे ही छोड़ोगे वो फिर से ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए से बी के लिए स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फ्रॉम ए टू बी, ये ए से लेकर बी तक थोड़ा कम बेंड करते हैं इसको, या ए से बी तक। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, नेक्स्ट इज आप इस बी पॉइंट के बाद और ज्यादा इसको क्या करने लगते हो, बेंड करने लगते हो। बेटा इसके बाद जैसे ही आप और ज्यादा बेंड करोगे ना, तो फिर ये इस तरह से और कर्व आ जाएगा सी पॉइंट तक। ठीक है, तो बेटा बी पॉइंट जो है ना, बी पॉइंट वो मैक्सिमम पॉइंट है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट है, जहां पर वो जो भी मटेरियल था वहां पर वो अपनी लिमिट से बाहर आ गया। कहने का मतलब उस पर स्ट्रेस जो है अपनी लिमिट से बाहर आ गया, तो मटेरियल में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगता है। तो बेटा बी से सी
is out of elastic limit and there the material achieves a permanent deformation. और C is called the yielding point. Yielding point मतलब ऐसा point जहाँ material पूरी तरह से थक गया, मतलब अब वो elastic behavior show नहीं करना चाहता. तो C point के बाद बेटा वो behavior करता है एक plastic की तरह, यानी कि elasticity का property खो देता है. और ज्यादा stress लगाओगे तो बेटा फिर एक आ जाएगा कोई D point जहाँ पर material break होने लगेगा. तो बेटा देखो ये मैंने जो curve draw किया है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली सेम कर्व मिले, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मिल सकता है. लेकिन बेटा ए से लेकर सी तक ये कर्व सब सेम होता है. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमेशा सेम आएगा. सी से डी तक मे बी इट मे बी डिफरेंट. लाइक कहीं कहीं ऐसा शो किया होता है, देखो कहीं कहीं ऐसा भी शो किया होता है कि अब मैं थोड़ा स्ट्रेस डिक्रीज कर देता हूँ. तो स्ट्रेस डिक्रीज भी कर दोगे ना तो भी स्ट्रेन डिक्रीज नहीं होगा. समझ में आया? स्ट्रेस को डिक्रीज करने के बाद भी स्ट्रेन डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो प्लास्टिक बन चुका है, अभी तो वो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है. इज इट फाइन? क्या आप इस बात को समझ पाए? ओ से ए में इलास्टिक बिहेवियर, ओ से लेकर पूरा बी तक तो भी इलास्टिक बिहेवियर, लेकिन ओ से ए में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट ए से बी में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ओ से लेकर बी तक वायर पूरी तरह से इलास्टिक बिहेवियर शो करता है? Yes? Hello? Sir. Yes. तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं elastic limit. क्या बोल देते हैं इसको? Elastic limit. तो point O से लेकर point B तक जो वायर होता है वो पूरी तरह से elastic behavior शो करता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं elastic limit. O से लेकर A तक proportionally होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं proportionality limit. B पॉइंट के बाद अब वहां पर क्या होता है, अभी भी वो थोड़ा इलास्टिक बिहेवियर तो शो करेगा, लेकिन आप एक बात समझो, आपने ना उसको उसकी लिमिट से ज्यादा खींच लिया, अब छोड़ोगे ना तो उसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन एक आ जाएगी. यानी कि 15 तक खींचा, छोड़ दिया, अब नई लेंथ उसको मिलेगी, छोड़ने के बाद वो वापस कंप्रेस होगा और अब 10 पर नहीं जाएगा, वो 11 पर ही जाएगा. सो देयर विल बी अ परमानेंट डिफॉर्मेशन. तो आप प्रोपोर्शनली इस चीज को लेकर आते हो ना वापस. तो बेटा देखो ये कहां मिल रही है, एक्स एक्सिस पर, ये इस पॉइंट ओ डैश पॉइंट पर मिल रही है. कैन यू सी मैंने स्ट्रेस को कम किया, कम करता गया और स्ट्रेस को जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ. कैन यू सी स्ट्रेस जीरो हो गया लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, ये वाला ओ डैश. बेटा ये जो ओ डैश आपको दिख रहा है ना, दिस विल बी अ परमानेंट स्ट्रेन. क्या है बेटा ये? परमानेंट स्ट्रेन आ गई इसमें. हेलो, क्या आप समझ पाए? अच्छा समझे क्या? सर आपने येलो में क्या किया वो वापस बताओ. येलो वाला क्या किया? देखो आप सी पॉइंट, बी से सी पॉइंट में क्या हुआ ये समझ आया आपको? परमानेंट डिफॉर्मेशन. हाँ, बी से सी में अभी भी वो थोड़ा इलास्टिक बिहेवियर तो शो करेगा ही, लेकिन अपनी कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज को खो देगा, और कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज को खोने की वजह से वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ पाएगा. तो आप उसको सी तक उसको स्ट्रेस अप्लाई किया, इतनी स्ट्रेन भी आ गई, अब आप धीरे धीरे स्ट्रेस को कम कर रहे हो. समझ में आया? तो आप जैसे जैसे स्ट्रेस को डिक्रीज करते जाते हो, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को डिक्रीज करते जाते हो, फोर्स की वैल्यू कम करते जाते हो, वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेन भी कम होती जाती है, प्रोपोर्शनली कम होती जाती है. मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इलास्टिक बिहेवियर तो अभी भी है. हेलो. अच्छा तो मतलब येलो लाइन थियोरेटिकल वे में ले रहा है, प्रैक्टिकल में वैसे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं बेटा, थियोरेटिकली ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी कुछ हद तक ऐसा होता है. ठीक है, वी कैन से प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है. ठीक है, आइडियली ऐसा नहीं होता, आइडियली ऐसा नहीं होता. क्लियर? देन ये जो परमानेंट स्ट्रेन है उसको डेल्टा एल बाई एल करके हम लोग को परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल सकता है क्या? परमानेंट डिफॉर्मेशन वही है ना बेटा, डेल्टा एल इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन. यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो. हाँ, यस बिल्कुल सही है बेटा. देखो, हाँ आई एम रिपीटिंग बेटा, पहले वायर की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको ना इसकी इसकी जो इलास्टिक लिमिट थी वो ये, इसको 14 सेंटीमीटर तक ही आप खींच सकते हो, या फिर 13 सेंटीमीटर तक ही आप इसको खींच सकते हो, तो ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, फिर से 10 गेन कर लेगा. तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने इसको खींच के 15 सेंटीमीटर तक लंबा कर दिया. अब बेटा आप इसको छोड़ते हो ना, तो छोड़ने के बाद अब ये, अब इसकी लेंथ जो है वो 10 नहीं रहती, अब वो इसकी 11 सेंटीमीटर इसकी परमानेंट लेंथ बन जाती है.
यानी कि इट विल हैव अ परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर. बेटा मेरी बात समझ पाए क्या? हेलो, किसी को डाउट है? यस. तो बेटा अब क्या कर दिया आपने, लेट्स से सी पॉइंट तक उसको खींच खींच के उसका लंबा कर दिया. अब उसको छोड़ते हो तो छोड़ोगे, धीरे धीरे स्ट्रेस कम करोगे तो स्ट्रेन भी कम होती जाएगी, स्ट्रेन भी कम होती जाएगी. लेकिन आप देखोगे कि वायर कभी 10 लेंथ का होता ही नहीं है, अब वो 11 लेंथ पर आकर ही रुक जाता है. यानी कि उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया. ओ ओ डैश, ये क्या है? परमानेंट स्ट्रेन. तो परमानेंट डिफॉर्मेशन फाइंड करना है तो क्या करोगे? परमानेंट स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. तो यहाँ से आपको डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर? क्या आप इस बात को समझ पाए अभी? सर ए से बी में क्या हो रहा है? बेटा ए से बी में भी अभी भी वो पूरी तरह से इलास्टिक है. उसको आपने छोड़ा ना तो फिर से वो वापस ओरिजिनल लेंथ गेन कर लेता है, 10 पर आ जाता है. लेकिन क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और जैसे ही आप स्ट्रेस को रिलीज करते हो तो वो वापस उन बॉन्ड्स को फिर से बना लेता है. समझ में आ गया? Yes, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होने लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो फिर से उन्हीं मॉलिक्यूल्स से बॉन्डिंग बनने लगती है. तो बेसिकली जैसे ही आप छोड़ते हो तो वायर फिर से अपना ओरिजिनल साइज शेप गेन करने लगता है. तो ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है और पूरी तरह से ये इलास्टिक बिहेवियर करता है. इवन ए से बी तक भी ये पूरी तरह से इलास्टिक बिहेवियर करता है, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. क्लियर? अभी आपको समझ आया? तो बट फिर ए और ए बी वाला चीज भी तो इलास्टिक लिमिट में ही है, तो उसको प्रोपोर्शनल होना चाहिए. नहीं नहीं बेटा, आप समझ, एक देखो मेरी बात समझो. यहाँ पर ये 1, 2, 3 और ये 4, ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और भी होंगे लेकिन मैंने 4 ही बनाए. ठीक है, ये किसी मटेरियल के अंदर रहते हैं. अभी आप क्या करते हो, अब आप इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो. तो बेटा यदि आप इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो स्ट्रेस की वजह से ना इन मॉलिक्यूल्स में इतनी डिस्टेंस आ जाती है ऐसे, और रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है. जैसे ही आप इसको छोड़ते हो ना तो स्ट्रेस को रिलीज करते ही ये वापस इस तरह से बन जाता है. क्लियर? स्ट्रेस अप्लाई करने पर, स्ट्रेस अप्लाई अप्लाई करने पर ये ऐसा बन जाएगा, और रिमूव करने पर वापस पहले जैसा आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए. लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच कर देता हूँ. तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने पर क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है लेकिन यहाँ वाले बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, ये ब्रेक हो जाते हैं. कहने का मतलब अभी समझ पाए? हेलो, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए. तो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए लेकिन आप क्या करते हो, जैसे उसको छोड़ते हो ना तो छोड़ने पर वापस इनके बॉन्ड्स फिर से बन जाते हैं, और फिर से बॉन्ड बन जाते हैं तो ये वापस क्या करेगा, धीरे धीरे पहले वाली स्टेट में आ जाएगा. आर यू गेटिंग? यस सर. मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो परमानेंटली ब्रेक नहीं हुए. क्लियर सर? हाँ बेटा, जो ए से बी का ग्राफ है उसमें हुक्स लॉ वायलेट नहीं हो रहा था? हाँ हो रहा है बेटा, हुक्स लॉ वायलेट हो रहा है. तो इसीलिए फिर हम लोगों ने इसको क्या बोला, हमने बोला बेटा कि ओ से ए तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है और इसी में हुक्स लॉ फॉलो होता है. ठीक है, हुक्स लॉ इज फॉलोड ओनली फॉर ओ टू ए, है ना? तो पूरे इलास्टिक लिमिट में फॉलो नहीं होता? नहीं, पूरे इलास्टिक लिमिट में फॉलो नहीं होगा. ठीक है, जहां तक ये पूरी तरह से इलास्टिक है वहां तक ये फॉलो नहीं हो पाएगा. ठीक है ना? क्लियर? और वैसे मतलब ये देखो, ये कर्व है ना, ये बहुत ज्यादा बेंड नहीं होता है, बहुत स्लाइडली बेंड होता है. मींस ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है लेकिन एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. गॉट इट? मतलब वो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आने ही लगता है वहां पर. ये प्रैक्टिकली है. ठीक है ना, ये जो चीज आ रही है ना बेटा, ये थोड़ा प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर सारा कुछ डिस्क्राइब किया है. क्लियर? ए से बी वाला. बेटा क्या आप इस चीज से एग्री हो गए? अभी आपको कोई डाउट बचा है? नो बेटा, एक बात याद रखना कि O से लेकर B तक पूरा इलास्टिक लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन O से लेकर A तक में क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन फॉलो होता है. मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ फॉलो होता है. लेकिन बेटा A से B में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता. ठीक है, तो फ्रॉम A टू B स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज not proportional to strain, to strain, but it is completely elastic, है ना?
या अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट। अब बेटा सी जो पॉइंट है ना, सी पॉइंट को हम बोलते हैं यील्डिंग पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मटेरियल उसके बाद क्या नहीं करता है, उसके बाद ये मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करता है, ठीक है। तो सी टू डी कैसा बिहेवियर हो गया बेटा? तो सी डी में हम लोग बोल देंगे प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर। और बेटा डी जो है ना वो लास्ट फाइनल पॉइंट, वो होता है ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग या फिर फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट उसको बोल सकते हैं। हाँ अब बेटा कोई पूछेगा बीसीसी में क्या है, तो बीसीसी में बेटा इलास्टिक बिहेवियर तो है, लेकिन लेकिन वायर में क्या आने लगता है, एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट गेट्स अ परमानेंट नेट स्ट्रेन, ओके। तो देखो ओ से एक वो रिगेन करने की कोशिश करता है और गेन कर लेता है, और प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन फॉलो होता है। अभी ए से बी अभी भी पूरी तरह से इलास्टिक है, रिगेन करता है ओरिजिनल शेप साइज, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन फॉलो नहीं होता। अभी बी से सी की बात करें बेटा, तो उसमें कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज पूरी तरह से लॉस हो जाती हैं, कुछ इलास्टिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाती है। तो वो अभी भी इलास्टिक बिहेवियर उसमें है, ठीक है, लेकिन क्या है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग गए अभी। आई बात समझ बच्चों? एंड सी इज कॉल्ड यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट है, उस तक पहुंच गए तो ठीक है, उससे आगे गए तो प्लास्टिक बिहेवियर, उसके बाद वो मटेरियल ट्राई भी नहीं करेगा अपना शेप रिगेन करने का, ठीक है। अब वो प्लास्टिक, अब वो लंबा होता ही जाएगा, उसका स्ट्रेन बढ़ता ही जाएगा, और कभी वापस अचीव करने की ट्राई भी नहीं करेगा, ओरिजिनल शेप साइज अचीव करने की ट्राई भी नहीं करेगा, क्लियर। और डी इज द ब्रेकिंग पॉइंट, वहां पर वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। बेटा इन सब में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? हेलो नो सर। नो। तो ये कर्व ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं एक और चीज लिख रहा हूँ बेटा, ये जो आपको लूप दिख रहा है ना, ए बी सी वाला ये लूप जो दिख रहा है, ये जो लूप है ए बी सी ओ डैश ओ है ना, तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ लूप ओ ए बी सी ओ डैश इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लूप। बेटा इसको हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया ऑफ दिस लूप, लूप गिव्स लॉस ऑफ इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा आप ये बात समझ पाए, एरिया ऑफ दिस लूप, ये जो लूप दिख रहा है ओ ए बी सी, इसका जो एरिया होता है ना, वैसे वो कभी आपसे कोई पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज यू नीड टू रिमेम्बर, बाय चांस किसी फोर ऑप्शंस में से किसी एक में थ्योरेटिकल आ जाए, बाकी न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाता इस पर, ठीक है ना। या क्लियर? एरिया ऑफ द लूप इज लॉस ऑफ इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा ड्रॉ कर लो ये सारी चीज, लिख लो। सर इस चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या इस वीक में? सर बेटा ये इलास्टिसिटी तो खत्म हो गया आपने, ठीक है ना। हेलो, इलास्टिसिटी तो खत्म हो गया, अब विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे, और विस्कोसिटी कर सकते हैं खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा आज पढ़ लेंगे, और 1.5 आवर लास्ट संडे के दिन भी है, राइट। हाँ सर। हाँ,
यस, तो मुझे लगता है हम कर सकते हैं खत्म, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सर विस्कोसिटी में हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से पढ़ेंगे क्या? वो हम सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे, अच्छा वो मतलब वो इसके बाद सारी आएगा, चीजें। हाँ बेटा, वो इसके भी बाद सरफेस, आएगा। हाँ, हाँ और सरफेस टेंशन के लिए कम से कम 2 लेक्चर चाहिए। ठीक अच्छा ठीक है है, बेसिकली आप समझ लो कि 2 और 1 3, 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर, POM। ओके सर। ये आप सबने नोट किया, आगे बढ़े बेटे। नीचे वाली महाभारत लिख दी। जस्ट मिनट। यस यस यस, सर आपने सैटरडे का टेस्ट का पेपर प्रिपेयर कर दिया है क्या? बेटा ये नोट कर लिया सबने? हेलो, सैटरडे को फ्लूइड्स का टेस्ट है ना? अच्छा, इसी सैटरडे को है, मैंने तो अगस्त में सुना था। अच्छा सर हाँ 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 लास्ट ओके, आप मैं रखने अभी वाले दे रहा हूँ। हाँ हाँ यस यस यस, नॉट ऑफिशियल, इट इज फ्रॉम माय साइड। राइट राइट राइट, ठीक है, चलेगा ना? आ सर। जाना। हाँ हाँ बेटा, पढ़ के आना और एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर लेना अच्छे से, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन टेल हियर? नो सर। चलो दोस्तों, तो ये अपना इलास्टिसिटी चैप्टर खत्म हो गया। बेटा अपन ने वो स्ट्रेन वाले क्वेश्चन कर लिए थे ना, मतलब शियर स्ट्रेन वाले, एक ही क्वेश्चन करना था वैसे तो, एक और कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखिए, ठीक एग्जांपल है जिसमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर ना इस तरह से एक फोर्स है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, और बेटा इस ऑब्जेक्ट में क्या किया, यहाँ पर से इस तरह का एक कट है। एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट को ऐसे कनेक्ट करके बनाया था, तो मतलब ये दो एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? तो बेटा समझ लो कि ये एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड को बीच में से ऐसे एक लाइन खींच रखी है। ठीक है, और ये एंगल जो है यहाँ से थीटा मान लो, वर्टिकल डायरेक्शन से ये एंगल थीटा हो, और बेटा इधर से एक फोर्स एफ लगाया जा रहा है, और इधर से भी एक फोर्स एफ लगाया जा रहा है। ठीक है, सेम, तो अब नेट फोर्स इस पर 0 हो गया, यानी कि ये ना तो एक्सेलरेट कर, ये एक्सेलरेट नहीं करेगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कि इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ए, और बाकी चीजें और दे रखी है बेटा कि सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है, कंसीडर
ठीक है या तो बेटा इसकी यदि पूरी लेंथ चाहिए तो वो एल वगैरह हम लोग ले सकते हैं। मैंने तो सिर्फ एक बेसिक सी चीज पूछी आपसे ताकि आप लोग क्या कर पाएंगे यहाँ पर उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन इज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने एक क्रॉस लाइन बनाई है, ये क्या बना रही है बेटा? ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ में आया? यानी कि ये रॉड होती है ना, उस रॉड में मैंने इस तरह से एक प्लेन अज्यूम कर लिया, ये एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस एट द प्लेन। इस प्लेन को एक नाम दे देता हूँ, ए बी। क्वेश्चन इज नंबर वन, व्हाट इज द टेंसाइल, टेंसाइल मतलब समझ गए ना, नंबर टू व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एट ए बी। बेटा एफ ए और थीटा के टर्म्स में बताना है, ठीक है ना? जो भी आंसर बताना है एफ ए और थीटा के टर्म में बताना है। चलिए बच्चों जल्दी से ट्राई कीजिए, बस इतना ही है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली। बेटा आपको सिर्फ स्ट्रेस फाइंड करना है और कुछ भी नहीं है ना। ओके, एक आंसर तो आया, लेकिन बेटा थोड़ा सोच समझ के ना, थोड़ा सोच समझ के आंसर, तो बेटा हो सकता है कि आपसे ये आंसर सही नहीं है एक्चुअली। अभी तक थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है ना। बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया है? ए लिया है, तो वो आप जानते हो ना क्या होता है। देखो इसको इसको 3D में यदि आप समझना चाहते हो तो इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ये वाला एरिया ए दे रखा है, ठीक है ना? ये बीच में आपको जो येलो कलर का प्लेन दिख रहा है ना, ये एंगल थीटा है। तो आपको जो ये येलो कलर का ये प्लेन दिख रहा है ना, इस पर आपको बताना है कि व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस एंड व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस। रॉड को आप लाइट कंसिडर कर सकते हो।
किसी का हुआ इतना टाइम काफी था वैसे इसके लिए, छोटी सा क्वेश्चन है, किसी से हुआ? टू एफ बाई ए? नहीं बेटा, चलिए एनीबॉडी, क्या मैं सॉल्व करूँ? सब लोग क्या बोल रहे हो, सॉल्व करना चाहिए मेरे को? चल आई सॉल्व, अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो। हाँ सर, हाँ चलो करते हैं बेटा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस प्लेन का मतलब जो ये प्लेन दिखा रखा है ना, इसके अलग टुकड़े कर देता हूँ। तो मुझे पता है कि इस तरफ फोर्स एफ लगा रखा है, इस तरफ फोर्स एफ लगा रखा है, तो मैं यहाँ से इसके टुकड़े कर दिए, ये वाला ऐसा आ गया। क्लियर? अब मुझे जो ये प्लेन मिला ना, हाँ बेटा यहाँ पर जो एरिया था वो एरिया आप सबको पता ही है कितना था, ए। तो अब ये जो येलो वाला प्लेन बन रहा है ना, यहाँ से जो ये येलो वाला प्लेन बनेगा, ये वाला, इसका एरिया कितना होगा? कैन यू टेल मी? हेलो एनीबॉडी? मैंने बोल दिया कि ये वाला एरिया है ए फॉर एप्पल, ये एंगल है थीटा। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस क्लाइंट ए कॉस थीटा, एरिया? यस, कितना? अच्छा नहीं, ए बाय कॉस थीटा ए शायद। बाय कॉस थीटा। अब ठीक है, अच्छा, ए बाय कॉस परफेक्ट, समझ थीटा। गए? तो ये स्लैंट पार्ट का एरिया जो है इसको ए डैश लिख लेते हैं। और मुझे तो ट्रायंगल में पता ही है, क्या पता है बेटा? क्या आप जानते हो कि ये वाली लेंथ यदि एल है और ये वाला एंगल यदि थीटा है, तो बेटा ये वाला क्या हो जाएगा? एल अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट ना? क्या मैं सही हूँ? हाँ सर, यस। तो उसका ये वाला लेंथ जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो तो सेम ही है, बस ये स्लैंट वाला लेंथ है ना बेटा, वो क्या हो गया अभी? एल कॉस थीटा बन गया। इसलिए आंसर में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो लिखते हैं ना, तो हमें कितना मिलता है बेटा? ए अपॉन कॉस थीटा। क्या आप इस बात को समझ गए सारे लोग? बच्चों किसी को डाउट हाँ है? सर, या वेरी गुड। चलिए तो आपको ए डैश की वैल्यू मिल गई, मैं ये ए डैश यहाँ लिख लेता हूँ, ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा। और हम लोग एक और बात जानते हैं कि पूरी बॉडी तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर सेम अमाउंट ऑफ टेंशन होगी, जितना फोर्स अप्लाई किया उतनी टेंशन होगी ना, इसलिए इस पॉइंट पर इस तरफ ये टेंशन की जो वैल्यू है वो फोर्स के बराबर एफ मैंने लगा दी। इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो? नाइस। नहीं, मैं इसके दो कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक टैंजेंशियल और एक परपेंडिकुलर। तो एक यदि मैं टैंजेंशियल कंपोनेंट लेता हूँ तो वो इधर आता है ना, और एक यदि मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेता हूँ तो वो इधर आता है। चलिए तो बेटा ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? टी कॉस थीटा, यानी कि एफ कॉस थीटा। और ये कितना आ जाएगा? एफ साइन थीटा। बेटा अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो एनीबडी, एनी कंफ्यूजन? किसी को डाउट है बेटा? नहीं सर, नहीं, आपका तो काम हो गया, आपको ये टैंजेंशियल फोर्स मिल गया और बेटा ये नॉर्मल फोर्स मिल गया। तो आप तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो क्या कि शियर स्ट्रेस होता है टैंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया।
तो ये ए डैश एरिया लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो टैंजेंशियल फोर्स है बेटा कितना, एफ साइन थीटा, और डिवाइड बाय एरिया कितना है बेटा, ए अपॉन कॉस थीटा। तो इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है एफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय ए, ये मिलता है इसको। और वैसे जो आंसर आ गया, लेकिन और सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे को मिलेगा एफ इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन टू थीटा, एफ इंटू साइन टू थीटा, और नीचे आ रहा है टू ए, ये आंसर आ गया। ये कौन सा है बेटा, शियर स्ट्रेस। नाउ अभी मैं बात करता हूँ, पहली चीज आपसे पूछी थी टेंसाइल, तो टेंसाइल की बात करें तो टेंसाइल क्या होता है पता ही आपको, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स, राइट। तो ये होता है नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ए डैश, तो वो आपको मिल रहा है एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय ए अपॉन कॉस थीटा। आंसर इज एफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए। क्या बच्चों आप इस सब को समझ पाए, किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर 2f sin थीटा और 2f cos थीटा नहीं आ रहा था? नहीं बेटा 2f sin थीटा 2f cos थीटा नहीं आ सकता। आपको ये बात समझ में आई क्या बेटा जो मैंने समझाया? देखो 2f sin थीटा और 2f cos थीटा यहां पर नहीं आ पाएगा, है ना, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर आना चाहिए, और आपको बोला है कि वहां पर एक प्लेन अज्यूम करो और उस प्लेन पर बताओ। समझ में आ गए, बात समझ में आ गई? दोनों साइड से खींच रहा ना बेटा। आप देखो एक बात बताओ मुझे, यहाँ एक रॉड है, इस रॉड का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा आएगा? यहाँ पर एफ फोर्स लगाया आपने, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यही तो होगा। अच्छा हाँ, नहीं हाँ सही सही है ना, कहने का मतलब यह है कि रॉड इक्विलिब्रियम है इसलिए दोनों तरफ एफर्ट लगा है, ठीक है, वरना फिर वो एक्सेलरेशन की वजह से अपने को और भी कुछ कुछ कंसीडर करना पड़ जाता, इसलिए ऐसा किया है, गॉट इट बेटा। देखो एक बात हमेशा याद रखना, आपको सिर्फ उस पॉइंट पर टेंशन लेनी है बस, तो उस पॉइंट पर टेंशन जो होगी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी बस। तो आपने इधर से एफ अप्लाई किया, इधर से भी एफ अप्लाई किया, तो बीच में किसी भी पॉइंट पर बात करो तो वो एफ ही होगा, टेंशन की वैल्यू एफ होगी, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। किसी को कंफ्यूजन है क्या? डोरा डोरेमोन ये डोरेमोन की वजह से ही लिखा है या डोरा कोई और नाम है? नहीं नहीं वो मेरे दोस्त बोला था मुझे। अच्छा ओके ओके ओके। एक्चुअल में किसकी आवाज है, नाम क्या है? सॉरी जीत। अच्छा सॉरी जी, ओके हाँ। अरे यार पर ऐसे क्लास में होते हैं तो तुम लोग अनलिमिटेड बातें करते रहते हो, बहुत कुछ चलता है। नहीं अभी तो किसी की आवाज नहीं आ रही क्योंकि सब कुछ म्यूट है। क्या क्या ये सबको समझ में आया? अदिति, वेदांग, अर्पिता, दिव्यान, जानवी, सबको समझ में आया क्या ये? दिशा, हेलो हेलो हेलो, आर यू देयर? हाँ सर आया आया आया, गुड बेटा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, बढ़ जाए आगे, कर पाओगे? चलिए बच्चों, so let's move, लिख लेते हैं और कोई टाइप का क्वेश्चन देने लायक हो तो, मुझे तो वैसे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर बेटा इससे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो सिंपली स्पीकिंग ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस जस्ट यू कैन डू इट। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल, ठीक है, एग्जांपल, या क्वेश्चन इज
बेटा एक पेंडुलम है जो कि एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर से बना हुआ है, और उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है, और पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है ना वो कैपिटल टी है। तो एक पेंडुलम बना लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर एक मास एम कनेक्ट कर देते हैं। बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसकी लेंथ को यदि हम लोग यदि लिखना चाहें तो उसको एल लिख सकते हैं, और इसका यंग्स मॉडुलस वगैरह की जरूरत नहीं है। यंग्स मॉडुलस को वाई जो कि हमें पता नहीं है, एक्चुअली यंग्स मॉडुलस हमें पता नहीं है, ठीक है। या लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिखो बेटा। अ पेंडुलम मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज टाइम पीरियड टी, हैज टाइम पीरियड कैपिटल टी, ओके। अब बोला है व्हेन एडिशनल मास एम इज एडेड टू द बॉब, एडेड टू द बॉब, तो क्या हो जाएगा बेटा? पहले उसका मास स्मॉल एम था, अब उसमें कैपिटल एम और ऐड कर दिया, तो एडिशनल मास इज एडेड टू द बॉब, द टाइम पीरियड बिकम्स टी एम। तो अभी टाइम पीरियड जो है वो टी एम बन जाए। इफ यंग्स मॉडुलस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज वाई, देन वन बाय वाई इज इक्वल टू, वन बाय वाई किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी ले सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने मैं फोर ऑप्शन रख लेता हूँ, उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना बच्चों? ट्राई करो इसको। बेटा ये जेई मेन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है ये, ट्राई करो बेटा। बाकी इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं इस चैप्टर से। सर एक डाउट है, जब हाँ हम बेटा, लोग कैपिटल मास एम को बॉब पे रखेंगे तो जो जब हम लोग स्ट्रेन लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल, तो उसमें डेल्टा एल जो रहेगा वो उस एक्सटेंशन तब का रहेगा ना जब हम लोग स्मॉल मतलब मास रखा है हम लोगों ने नया, तब से जो एक्सटेंशन आ रहा है रिंग मतलब उसके ऊपर वायर के ऊपर, पुराना एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ेगा ना? पुराने एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? जब पुराना हाँ वही एक्सटेंशन था ना तब लेंथ एल थी, ऐसा है मतलब, समझ गए?
फिर उसके बाद एल प्लस डेल्टा एल जो हम लोग को पिछला लाए, हाँ, क्योंकि अब एल प्लस डेल्टा एल डेल्टा एल आएगा ना प्लस वो डेल्टा सिर्फ एल। कैपिटल एम की वजह से आएगा। यस हाँ हाँ जिसका आंसर आ जाए बता देना बेटा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। आया आंसर किसी का? हाँ जी बच्चों, एक मिनट सर,
जैसे इस क्वेश्चन से ना बेटा आप लोग कभी जैसे फ्यूचर में तुक्का मारना चाहो तो क्या करोगे, कौन कौन से ऑप्शन को रखोगे और कौन कौन से इसको डिलीट करोगे, पहले ये बताओ। हाँ सपोज आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सपोज, और आपको गेस करना है तो कौन सा गेस करोगे, कौन कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, कोई दो ऑप्शन को एलिमिनेट यानी 50-50 ऑप्शन यूज करते हैं हम लोग, दो ऑप्शन डिलीट कर दिए जाए यस, और दो रखे जाए तो कौन से दो रखेंगे, सी सर सीडी को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, पक्का हाँ ऐसे लग यस रहा सर, क्योंकि वो नेगेटिव में चला जा रहा है। है। एग्जैक्टली ओके, इसके अलावा और कुछ दिमाग में आ रहा है? और बाकी मेरा आंसर भी उसके जैसे ही दिख रहा है, एक्चुअली ए और बी के जैसे ही, तो इसके कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल डिलीट कर ही दो सर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नेगेटिव वाले को छोड़ो, आपको बस ये देखना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं तो कौन सा करेंगे इनमें से, सर ये तो हटाई दो ये तो किसी काम का नहीं है ऐसा। बताओ सर सी और डी सेम है क्या? ओ, 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 1 मिनट, 1 माइनस TM, अरे बेटा ये लास्ट वाले ऑप्शन में T/TM लिखना चाहिए था एक्चुअली, टाइपिंग एरर मतलब मेरी टाइपिंग एरर, मैंने गलती कर, ठीक है बच्चों ए और बी को भी चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है अभी सब ठीक है, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन और हाँ सब कुछ ठीक है, अब परफेक्ट है सब कुछ। यस बेटा अब बताइए कौन सा ऑप्शन किसी काम का नहीं है, कि ये तो सर कुछ भी कर लो हो ही नहीं सकता। सर सी नहीं बेटा बी ऑप्शन किसी काम का नहीं है, उसको हटा सकते हैं। रीजन बेटा वाई की जो यूनिट होती है ना वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं बी ऑप्शन को देखता हूँ तो आपको तो 1/y चाहिए ना, तो 1/y की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, यही होनी चाहिए ना, तो ऊपर आना चाहिए एरिया और नीचे आना चाहिए एमजी, क्योंकि T/T कोई यूनिट हुई नहीं, तो बेटा MG/A इज कंप्लीटली यूजलेस, क्योंकि MG/A की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अपने को जो भी आंसर फाइंड करना है 1/y के लिए फाइंड करना है, मतलब 1/y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, तो बी ऑप्शन तो किसी काम का नहीं है, उसको तो सबसे पहले एलिमिनेट करना है, समझ गए। हेलो हाँ सर। यस चलो अब अपन इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं ढंग से। हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है T=2π√L/g, या जगह 2π√L/g, ठीक है। अब इस L की वैल्यू क्या लिखूं, तो आप लोग तो जानते हो कि यहाँ पर क्या होगा, L की वैल्यू जो होगी इसकी ओरिजिनल लेंथ प्लस प्लस इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, तो मैं बोल देता हूँ L की वैल्यू इसकी ओरिजिनल लेंथ कुछ होगी और उसमें कुछ डेल्टा L ऐड हुआ होगा, तो उसको Δ L1 लिख लेते हैं, ठीक है ठीके? एक बार के लिए करके देखते हैं क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर अपने को मिलता है L0 प्लस, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, Δ L की वैल्यू जो होती है FL, FL मतलब MG है ना, इंटू L अपॉन AY, कोई दिक्कत किसी को, इतना चलेगा, समझ आया। नाउ अभी एक छोटा m के साथ बड़ा m मास और चिपका दिया, तो अभी कुछ नई लेंथ बन जाएगी, तो वो आ जाएगी 2π√L′/g, और L' की वैल्यू हम लिख सकते हैं, L0 तो रहेगा ही लेकिन अभी जो स्ट्रेस हो रहा है वो छोटा m प्लस बड़ा m इतना हो गया, तो स्मॉल m प्लस बिग m जी एल डिवाइड बाय ए वाई। यस बच्चों इतना समझ गए, तो अब मैं काम कर सकता हूँ, ये L और L' को मैं रिलेट कर सकता हूँ डायरेक्टली, बेटा मैं एल डैश की जगह ऐसा नहीं लिख सकता, एल नॉट प्लस स्मॉल एम जी एल अपॉन ए वाई जो है ना, ये एल नॉट सॉरी, हाँ स्मॉल एम जी एल नॉट अपॉन ए वाई है ना, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बेटा, एल बन गया, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हेलो हाँ सर। लिख सकते हैं नहीं, ओके तो ठीक है, इनको अपन इस सेम टर्म में भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं जैसा हमें यूजफुल लगे।
बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करके दोनों का रेशियो ले लो डायरेक्टली, दोनों तरफ स्क्वायर करके दोनों का रेशियो ले लो। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं टी एम अपॉन टी का रेशियो ले लेता हूँ और इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है? तो ऐसा करने पर ये 4π² वगैरह सब खत्म और बच क्या रहा है, एल बाय एल डैश बच रहा है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चों एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नाइस नहीं, ओके। और फाइनली अपना टास्क क्या है? अपना टास्क है वाई फाइंड करना, है ना? यस, चलिए। तो हम ये जो वैल्यूज आई है ना हमारी एल और एल डैश की, ये यहाँ पर रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? ओह नो, ये तो मजदूरी वाला काम है बेटा, करके देख लो। कर खुद से ट्राई कर लोगे? हेलो, हाँ सर। बेटा ये आपको ट्राई करना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी ओनली, ठीक है? यदि आपको ये मतलब ये जैसे ही सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपको बस 1/y फाइंड करना रहेगा बस, तो वो इजीली आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, क्लियर? आपका काम हो गया, बस इतना ही, ठीक है बच्चा? लोग आगे बढ़ जाएं। हेलो, हाँ सर। नोट हाँ, कर लो, नोट कर लो बेटा। ओके, तो अब डायरेक्टली यहाँ पर दोनों का रेशियो ले लोगे ना, तो इन सारे एल नॉट चले जाएंगे, सारे एल नॉट चले जाएंगे और बस सिंपली आपको सॉल्व भी करना रहेगा बस। तो मतलब सॉल्व करने पर कुछ ऐसा बचेगा, टी एम अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन जस्ट यू कैन डू। और या सारे एल नॉट तो कैंसिल हो गए और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ए वाई, और यहाँ पर आप छोटा एम प्लस बड़ा एम इंटू जी। बस अभी इसको क्या करना है, बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों, तो एज यू सॉल्व यू गेट द आंसर। तो फाइनली आपको रिलेट करना पड़ेगा, फिर से आपको ये फर्स्ट वाले की हेल्प लेनी पड़ सकती। तो या जैसे भी है, +1 -1 करके जैसे भी, मतलब आप कर लोगे आगे सॉल्व, राइट? सिंपल मैथ है। यस और नो? यस सर। तो आंसर वैसे इसका फर्स्ट दे रखा है, अब चेक कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं होता है तो हो ही हाँ जाएगा, सर वही आ रहे। बचा कुछ नहीं है, पहला ही ऑप्शन है। बी तो किसी हाल में हो नहीं सकता, है ना? हाँ सर हाँ, ए ही आ रहे सर। ए ही आएगा। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, लास्ट वाले में डी ऑप्शन यानी कि वहां नेगेटिव आ रहा है, वो भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा जाएगी कौन से ऑप्शन को डिलीट कर दोगे, तो ऑब्वियसली आप डिलीट करोगे बी एंड डी को, 50-50 ऑप्शन बी एंड डी, किसी काम के नहीं, इनको हटा देंगे, सिर्फ ए और सी में चूज करना है। उसके बाद ये तो प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, यू विल गेट द आंसर। ओके बच्चों, चलें आगे बढ़ जाएं। बेटा किसी को और कोई कंसर्न, कोई दिक्कत? ना सर। नो, गुड, ओके। बाकी जैसे कि मैं जेई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है? इट्स लाइक फॉर्मूला बेस्ड ऑनली, थोड़ा थोड़ा सा सोच के करना होता है, ठीक है ना? जो कुछ भी हमने किया है बेटा सारे उसी पर बेस्ड होते हैं, किसी में कुछ भी कोई खतरनाक थ्योरी नहीं है, ओके? या तो मैं आपको 1 2 3 4 5 फाइव जेई एडवांस के क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है? 5 जेई एडवांस के क्वेश्चन भेजूंगा, अभी भेज देता हूँ एक्चुअली। बेटा ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना, ये आपको आपके लाइक सॉल्व करके आने हैं, ठीक है? सो अपना ग्रुप कहाँ गया? फिजिक्स सपोर्ट, यस।
एनी हाउ विस्कोसिटी तो हुआ ही नहीं है, तो इसको तो हम बाद में करेंगे। 0.11 kg, ठीक है, देखते हैं। बेटा तीन ही भेज रहा हूँ, है ना, दो क्वेश्चन हट गए क्योंकि वो चीज़ अभी हमारी हुई नहीं है। सो विस्कोसिटी स्टार्ट कर दें या नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे? कर तो कर दो, कर दूँ? सकते कर सकते हैं। या बेटा विस्कोसिटी बहुत ही सर, सिंपल। हाँ बेटा बोलिए। फ्लुइड्स का वर्कशीट मिलेगा क्या? हाँ वर्कशीट में आपको भेजूंगा, ठीक है ना, फ्लूइड ठीक है सर। आपने मॉड्यूल कर लिया? नहीं मतलब एक्सरसाइज वन का आधा ही हुआ तक मेरा। हाँ, एक्सरसाइज 1 कर लो पहला बेटे। वो बड़ा लाइक अच्छे क्वेश्चन है उसमें, है ना। हाँ वही डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। हाँ अच्छे क्वेश्चन है एक्चुअली। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2 और 3 से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके एक काम करते हैं, विस्कोसिटी स्टार्ट करने की बजाय अपन फ्लूइड के एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर, रेडी? बेटा एक कंटेनर है हमारे पास, इस तरह का एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक रॉ डेंसिटी का लिक्विड डाल देता हूँ। सो लेट्स टेक अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रॉ हियर। ये रॉ डेंसिटी, अभी इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया एंड दैट ऑब्जेक्ट इज हियर। इसकी कुछ साइड की लेंथ है ना, उसको हम लोग ले सकते हैं एल। मतलब वो आप समझ लीजिए कि ये एल साइज साइड लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपको दे रखा है बेटा कि जो भी ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी जो वी कैन से डेंसिटी है वो है 1.5 टाइम्स ऑफ रॉ, यानी कि 3/2 रॉ, 3/2 टाइम्स ऑफ रॉ, ये है उसकी डेंसिटी। क्लियर? तो ऑब्वियसली अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि यदि इस सिस्टम को एक एक्सेलरेशन दिया जाता है, ए इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस मानेंगे और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मानेंगे, और ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है, समझ गए ना, ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है, तो किसी इंस्टेंट पर मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पर इसे ड्रॉप कर दिया। आर यू गेटिंग बच्चों? मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, लिक्विड के एकदम बीचों बीच ले जाकर ड्रॉप किया है, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो इस तरफ दे रखी है, ए इज इक्वल टू, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लेते हैं 5i कैप -5j कैप, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको बताना है ये किसका एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर है, एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर इज दिस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपसे पूछा है। रॉ डेंसिटी है लिक्विड की, 3/2 रॉ है ब्लॉक की, ब्लॉक को एग्जैक्टली लिक्विड के बीचों बीच एग्जैक्टली सेंटर पे ले जाके छोड़ दिया है ना। तो अब आपको बताना है कि यदि कंटेनर इस एक्सेलरेशन से चलेगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। यस बच्चों ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ना, जी एडवांस लेवल का काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आया? ग्रेविटी नीचे की तरफ है,
बेटा आप थोड़ा सा कंफ्यूजन को अवॉइड करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप इसमें PATM को कहीं कंसीडर मत कीजिए, यानी कि कंटेनर को पूरी तरह से क्लोज कर दीजिए ताकि वो स्लोप वगैरह का टेंशन ना रहे आपको, है ना। कंटेनर को आप क्लोज मान सकते हैं, मतलब PATM वगैरह उन सब का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको ये बात तो पता ही है ना बेटा कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसी की वजह से बॉयंट फोर्स आता है। बॉयंट फोर्स की वैल्यू होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, राइट। और मैंने आपको बताया था कि ये आता क्यों है, एक्चुअल रीजन इज प्रेशर डिफरेंस ओनली ना, क्योंकि आप ऊपर वाली सर्फेस पर देखोगे तो प्रेशर कम, नीचे वाली सर्फेस पर देखोगे तो प्रेशर ज्यादा, तो देयर इज अ नेट प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो नीचे से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक नेट फोर्स जो होता है वो अपर डायरेक्शन में आता है और उसी की वजह से लगता है, वही कहलाता है बायंड फोर्स। या बेटा कर रहे हो रहे ट्राई? हेलो एक क्यूब है, एल लेंथ का क्यूब, शैल आई सॉल्व? और कर रहे हो? अरे डोरा आर यू डूइंग? हाँ लेकिन नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, और कौन बचा है यहाँ पर? आ रहा है, आ रहा है, पता नहीं बट हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ओके चलिए, तो चलो तो फिर कुछ तो हो रहा है, ये बोल रहे हो ना आप आ रहा है, तो चलो आप मुझे बोलते जाओ अपन मिलके करते हैं। यस, क्या किया आपने? ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं पहले? हाँ, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि 3/2 रॉ है और ये रॉ है, है ना। और अभी क्या हो रहा है, यदि मैं इसके मास की बात करूं तो मास बन जाएगा बेटा 3/2 रॉ, ये तो हो गई इसकी डेंसिटी। और अभी मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वो बन गया एल क्यूब, ये तो उसका मास हो गया। यस, हाँ अब मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन है 5i क्या? पहले राइटवर्ड एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, राइटवर्ड एक्सेलरेशन इस कंटेनर का 5i क्या है, तो उसके मुझे उसकी वजह से मुझे बता सकते हो कि इस पर बॉयंट फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? बॉयंट फोर्स या फिर सुडो, एक ही बात है, सुडो बता, सुडो बता दो, बॉयंट बता दो, जो आपको सही लगे। देखो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यदि मैं बात करूं इस पर पीछे की तरफ लगेगा सुडो फोर्स, करेक्ट। वो कितना लगेगा? m into ax, मतलब x कंपोनेंट, करेक्ट। हाँ, और अब इस पर लगेगा बॉयंट फोर्स, तो वो कितना लगेगा, वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा पहले तो ये बताओ। ऊपर लगेगा? नहीं नहीं, ऊपर वाला लगेगा, अब हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल का पहले बताओ। माइनस आई कैप में लगेगा? माइनस आई कैप में, पक्का? सोचो बेटा,
आपको याद है वंस अपॉन ए टाइम मैंने वो आपसे क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें मैंने कंटेनर को एक्सेलरेट करवाया था ना, तो सारा लिक्विड पीछे चला जाता था तो पीछे की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाता था, यदि कंटेनर इधर जा रहा है तो पीछे प्रेशर बढ़ता था, ये सुन लो। हाँ तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार इधर प्रेशर जो होगा ना वो फ्रंट वाले प्रेशर से ज्यादा होगा, बी पर प्रेशर ए से ज्यादा होगा, ये सुनो यस ना। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं ऐसा बोल दूं क्या कि यार बॉइंट फोर्स तो अभी राइटवर्ड ही लगना चाहिए इस पर एक्स डायरेक्शन का, डू यू सर एग्री? सिंपल सी बात है ना यार, तो बॉइंट फोर्स क्या होगा बेटा, बॉइंट फोर्स तो राइटवर्ड। अब मेरी बात समझ पाए बेटा, ग्रेविटी नीचे लगती है तो बॉइंट फोर्स ऊपर लगता है, तो वैसे ही कंटेनर राइटवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में, या अब मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो मतलब हाँ ऐसा देख सर, सकते हैं ना कि अगर सूडो पीछे लग रहा है तो ब्लॉक काइंड ऑफ लेफ्ट में जा रहा है, तो फिर पॉइंट फोर राइट राइट में लगना चाहिए, हाँ ऐसा बोल सकते ऐसे हैं, है ना। ठीक है ना बेटा। आप सिंपल ऐसे देखो, आपको पता है कि यदि ये राइटवर्ड एक्सेलरेट होगा ना तो सारा का सारा लिक्विड ऐसे पीछे जाता है, यदि ये राइटवर्ड एक्सेलरेट होता है तो इसका मतलब पीछे की तरफ हमेशा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमेशा एक्सेलरेशन के ओपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ने लगता है। तो मैं बोल दूंगा कि यार पीछे वाली जो ये ए वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर प्रेशर इस बी वाले पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा, तो जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां ज्यादा फोर्स, जहां प्रेशर कम होता है वहां कम फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स इज राइटवर्ड, ओवर। क्लियर? यस बात समझ गए मेरी, है ना, समझ गए? सर, गुड, ओके बेटा। एक्स डायरेक्शन का काम तो अपन पहले खत्म कर देते हैं, कर दें। तो एक्स डायरेक्शन का जो एक्सिलरेशन होगा ब्लॉक का एक्सिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज नेट फोर्स, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने पास सारी वैल्यू तो है ही, तो बेटा इस एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक 3/2 रॉ, और इसका एक्सिलरेशन जो है वो 5 है, और इधर क्या आ रहा है वी रॉ, और या ये ए आ जाएगा ना। बोलो बोलो बोलो, हेलो, इसको ए ही लिखूंगा ना, रॉ ए एक्स, डू यू रिमेम्बर, रॉ ए एक्स इंटू एरिया इज द नेट फोर्स। बेटा प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया इज द नेट फोर्स ना, वही तो बॉइंट फोर्स होता है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन 5 के बराबर, तो नेट आपको निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो आप किधर आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर, यस। तो मैं बोल दूंगा कि एफ नेट डिवाइड बाय एम, तो वो आ रहा है माइनस ऑफ 3, सॉरी वी रॉ और ये 5, तो ये 3/2 इधर आ गया और ये माइनस का 1 लिख देते हैं, और डिवाइड बाय नीचे मास, मास इज वी 3/2 रॉ, ऐसा आ गया। तो बेटा यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का कितना आ रहा है, यस बेटा, बी से बी कैंसिल, रॉ से रॉ कैंसिल, ऊपर पे 5 बच रहा है और अंदर की तरफ क्या आ रहा है, 1 माइनस का 1/2 बाई टू, नीचे से दोनों कैंसिल हो गए ना, अच्छा अच्छा ठीक नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। आर यू गेटिंग? तो फाइनल आंसर क्या आया, बोलो बोलो, क्या मेरी बात समझ पाए क्या? हेलो, समझे कि नहीं समझे? सिर्फ क्या आप इस क्लास के नोट्स ग्रुप पर भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज देंगे बेटा, भेज देंगे, ठीक है बेटा। इस बात से सहमत नहीं हुए क्या? 3 नहीं आया था। एक काम करते हैं, आपको यदि यहाँ पर एक मिनट, हाँ 5/3 होगा एक्चुअली। हाँ भाई, हाँ बेटा, ये वी रॉ एंड 5 को आपने कॉमन ले लिया, वो नेगेटिव डायरेक्शन को -3/2 और पॉजिटिव डायरेक्शन को आप +1 ले लो, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -2/2 कैंसिल है और ये आ रहा है -5/3 m/s². बिल्कुल सही है बेटा, आप हाँ लोग हाँ आपने ठीक है। बिल्कुल सही दिया। हाँ ये तो हो गया काम किसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। अभी मैं वर्टिकल डायरेक्शन को पकड़ लेता हूँ बेटा। बेटा वर्टिकल डायरेक्शन को आपको एक चीज तो पता ही है, इस पर हमेशा mg नीचे लगता है ना, और अब ये पूरा सिस्टम जो है ये नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है 5 से, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि नीचे ऊपर की ओर सुडो फोर्स क्या हो गया, जी सॉरी
समझ में आ गया ना, एम में ऊपर की ओर हो गया, तो नेट फोर्स ड्यू टू लाइक जी इफेक्टिव कितना हो गया, एम इनटू जी माइनस ए माइनस ए वाई, करेक्ट। अब बॉयंट फोर्स कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्टली वैल्यू ही रख लेते हैं, वैल्यू 5 है। हाँ बॉयंट फोर्स बताइए, तो वॉल्यूम जितना अंदर है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके आगे बताइए। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हाँ यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले बॉयंट फोर्स जो था अभी क्या होगा यहाँ पर, जी माइनस फाइव ना, वेरी क्या है, ठीक है। हाँ तो हमने बिल्कुल सही किया यार, जी इफेक्टिव ही तो लिखते थे, बताया तो था क्लास में ये चीज, राइट। यस ओके, तो ये 3 रो बाय 2 और ये आ गया जी माइनस 5। आप दोनों को, आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है, तो ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय मास। क्या मेरी बात समझ गए, क्या लिखूं यहाँ पर, वी रॉ और या बाकी सब चीजें ओके हैं, बाकी को अपने को माइनस करना पड़ेगा प्रॉपरली, है ना। तो जी माइनस 5 को डायरेक्टली 5 लिख लो, राइट, और ये कितना आ रहा है, 15/2 वी रॉ, क्या है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर, यस सर। तो फाइनली आप यहाँ लिख लोगे वी इंटू 3/2 रॉ, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो नेट रिजल्टेंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। और 15/2 में से यदि 5 माइनस होते हैं तो क्या बचता है, 5/2, 5/2, ये आंसर आ गया आपका, क्लियर है। चीजों को कैंसिल किया तो ये आ रहा है 5/3, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो आप बोल दोगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज -5/3 आई कैप -5/3 जे कैप ओवर फिनिश खत्म, क्लियर है बच्चों, बात समझ गए, यस सर, यस, दैट्स ऑल, ओवर। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाए तो बहुत सोच समझ के करना, लेकिन हो जाएंगे ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। चलिए तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बच्चों। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 2, बहुत इजी है 2 है ना, 1 और 2 सॉल्व कर लेना, ठीक है। और एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में लाइक हम लोग ठीक ठाक ही क्वेश्चन लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेंगे अभी के लिए, फिर एडवांस लेवल का टेस्ट बाद में एक और कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है तो अपना एक सिंपल क्लास टेस्ट होगा, सिंगल चॉइस ले लेते हैं अभी के लिए, और मल्टीपल चॉइस होंगे भी तो एक दो क्वेश्चन कुछ होंगे, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 3-4 समझ लो, उससे ज्यादा नहीं, और बहुत हाई लेवल नहीं रहेगा, इट्स ओके ओके लेवल। और फ्लूइड का टेस्ट है, याद रखना, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स, कोई विस्कोसिटी नहीं, कोई सरफेस टेंशन नहीं, ठीक है। और टाइम इज 3:30 PM ऑन सैटरडे, क्या आप इस बात से परेशान तो नहीं है, ऑफलाइन ही आना, हाँ बेटा ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन चाहिए क्या, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू सर।